वेलकम पी सिन्हा जी, थोड़ा सा आपका जो फील्ड है वो रूरल जर्नलिज्म रहा है, लेकिन ये अगर इसको अगर देखा जाए तो एक इस तरह से प्रोजेक्ट है कि एक जो कंटेम्प्रेरी जर्नलिज्म है उससे एक अलग हटके इसको एक फील्ड माना जाता है। तो जैसे कि आपके कई सारे इंटरव्यूज़ में मैंने सुना है कि 19 साल से आपने ये वाला जर्नलिज्म करा है, तो ये वाला रूरल वाला जर्नलिज्म 25 साल हुआ, कृषि संकट के ऊपर 19 साल हुआ। ओके, तो सबसे पहला सवाल तो अगर ये है कि वो चेंज आप में किस तरह आया कि इस तरफ मुझे ये 25 साल पहले आपका क्या थॉट था कि मैं इस तरफ? मेरा ऐसा कुछ चेंज नहीं आया, जर्नलिज्म में चेंज आया। मैं तो अब आज हूँ जो मैं 30 साल पहले था। मैं जर्नलिज्म में आया कि मेरा इंटरेस्ट था लोगों का हालत, लोगों का इतिहास, संस्कृति, इकोनॉमी, वो मेरा इंटरेस्ट था। तो जब मैं पत्रकारिता में आया था 1980 में यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया में, तब स्टिल उस समय तक कुछ न्यूज़पेपर स्पेस रहा इश्यूज़ के लिए, अच्छा इश्यूज़ के लिए, रूरल वेलफेयर के लिए। उतना अच्छा काम नहीं किया लेकिन थोड़ा स्पेस तो रहा। फिर ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया हो गया। जब कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाती है, कवरेज का एक ही प्रिंसिपल है, जो रेवेन्यू देती है उसको हम कवर करते हैं। दूसरा, कॉर्पोरेटाइजेशन से ये भी उठती है कि सब मालिक कॉर्पोरेट ओनर्स हैं, उसका सरकार के साथ बड़ा तालमेल, जुगलबंद, सरकार से बहुत डिपेंडेंट है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जितना भी बेवकूफ़ी और बदमाशी करते हैं नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट, एक एक मिनिस्टर हर दिन कुछ बकवास बोलते हैं, तब भी मीडिया उनके उस सीरियसली अटैक नहीं करती है, सीरियसली क्रिटिसाइज नहीं करती है। इसलिए कि कल प्राइवेटाइजेशन में मीडिया ओनर को बेनिफिट है। अगर देखो, अगर स्पेक्ट्रम प्राइवेटाइज हो जाएगा, सबसे बड़ा बेनिफिशरीज होगा अंबानी, टाटा, बिरला, सब बड़ा मीडिया ओनर्स। अगर माइनिंग वन प्राइवेटाइज हो जाएगा तो वही यूजुअल सस्पेक्ट्स, उनको ही बेनिफिट है जी। तो वो कैसा सरकार के खिलाफ एक्सपोजेस कैसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसका नुकसान होगा। इसलिए कि बहुत सारा अच्छा पत्रकार है जो अनएम्प्लॉयड पड़ा है, जो बड़े बड़े पेपर और चैनल में था और वहाँ से उसको भगा दिया, और मैकेनाइजेशन को भी यूज़ कर रहे हैं। टेलीग्राफ ने एक स्ट्रोक ऑफ द पेन में 700 जन को भगाया, हिंदुस्तान टाइम्स ने 6 एडिशन बंद किया। और ये पैसा की बात नहीं है, वही पेपर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑनलाइन में, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ रिपोर्टिंग नहीं होगा तो ऑनलाइन आप क्या करेंगे? सो दीज ऑल सिचुएशंस टर्न यू टू मेरा तो जब मैं गया उस ये इतना तक आया नहीं, इतना तक पहुंचा नहीं मेरा तो। मैं समझता हूं कि देखो, मेरा आई ग्रो अप, मैं पैदा हुआ एक स्वतंत्र सैनिक का फैमिली परिवार में, फ्रीडम स्ट्रगल फैमिली, तो हमारा पूरा आउटलुक उससे इन्फ्लुएंस हुआ कि इस देश के लिए कौन लड़ाई किया। और मेरे ख्याल से जर्नलिज्म भी हमारा शुरू से उससे इन्फ्लुएंस्ड था। मेजर इन्फ्लुएंस इन इंडियन जर्नलिज्म ये कह सकते हैं कि इंडियन जर्नलिज्म या इंडियन मेजर इंडियन जर्नलिज्म वो फ्रीडम स्ट्रगल का चाइल्ड था। इट वॉज अ चाइल्ड ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। और आपका सबसे बड़ा पत्रकार था गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह, दे ऑल रोट इंसेसेंटली एंड पब्लिश्ड। जहाँ उसको चांस मिला वहाँ पब्लिश किया। अगर कुछ लोग को न्यूज़पेपर में चांस नहीं मिलेगा तो
लेटर्स टू द एडिटर डाला जी। तो ये था, आप अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल को सर्वे करेंगे 20th सेंचुरी में हर बड़ा लीडर वो पत्रकार भी था। और अंबेडकर ने 2 न्यूज़पेपर खोला, गांधी ने 3, नेहरू ने 1, और महिला फ्रीडम फाइटर्स भी, जो विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, वो भी पत्रकार था, दे यूज टू राइट रेगुलरली फॉर इन जर्नल्स। तो वहाँ से एक ट्रेडिशन, जो मैं समझता हूँ कि ये आई बिलोंग टू दिस ट्रेडिशन, तो वहाँ से आया। जब चलते चलते 1991-92 तक 1993 तक मैं वो मेन स्ट्रीम में था, फिर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, कॉरपोरेटाइजेशन, mid-80s से कॉरपोरेटाइजेशन शुरू हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में, सब जर्नलिस्ट यूनियन को तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे लाया। अभी भी मैं कहता हूँ कि जर्नलिज्म कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इलीगल है, हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है उसका वायलेशन है, लेकिन ये मालिक इतने बड़े लोग हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर्स देते हैं, जो वेज बोर्ड में, वेज अवार्ड्स में, वो मना करते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, कोर्ट में साइन कर देंगे, बाहर रख के करते हैं कि नहीं करेंगे, या उसका कोई बाईपास निकाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट 3 बार 4 बार 5 बार कह चुका है कि यू हैव टू एडियर टू द एग्रीमेंट, कुछ नहीं होगा, दे डोंट केयर, जानता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेंगी, वो है उसका कॉन्फिडेंस। तो उस समय वो नया आर्थिक नीति में जो अच्छा अखबार फ्रीडम स्ट्रगल में एक रोल था, जो नहीं था, सब पूरा उसका शक्ल बदल दिया। तो कवरिंग डेवलपमेंट तब हमेशा वो बहुत कम था, लेकिन अभी एक्सटिंक्ट होने वाला था वो, इसलिए कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया और लैक्मे इंडिया फैशन भी, इन सबको कवर करने शुरू किया। तो 91 में मैंने, 92 तक बहुत डिस्गस्ट हो गया मेरा, 93 में मैंने जॉब क्विट करके फुल टाइम रूल, इसका मतलब 25 साल हुआ अभी फुल टाइम रूल, उसके पहले भी रूरल किया और बहुत कुछ अर्बन रिपोर्टिंग भी किया, जो पेड न्यूज़ स्कैंडल है जर्नलिज्म में मैंने ही किया, वो एक्सपोज़े हिंदू में, वो रूरल नहीं था। तो लेकिन एक कह सकता है कि 25 ईयर्स रूरल जर्नलिस्ट। उस टाइम पे कोई जो एक ह्यूमन डायलेमा जिसको हम बोलते हैं, एक जर्नलिस्ट का वो डायलेमा, उसको कैसे कोप किया कि यार नहीं, ये छोड़ के, एक सिक्योर्ड जॉब छोड़ के, या तो इससे बाहर निकल के मुझे वैसा जर्नलिज्म करना है जो शायद शायद छपने के लिए भी आपको प्रॉब्लम्स आती। मैं समझता हूँ कि मैं आई वॉज वेरी लक्की। आज किसी पत्रकार को वो करना है बहुत मुश्किल है जी, इसलिए कि स्पेस और कम हो गया। आई वॉज वेरी लकी, लेकिन मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस भी था, कुछ न्यूज़पेपर वर्ल्ड के साथ कुछ संपर्क था, एक थोड़ा सा स्टैंडिंग था, लेकिन जो मैंने उस ज़माने में किया, अभी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करते हैं लोग करते हैं, कोशिश करते हैं। आपके कहने का मतलब कि तब भी आपको लगभग 12 साल पहले एक स्टैंडिंग बनाने को, वो है, लेकिन मैंने कह रहा हूँ लक भी था बहुत जी, जी। लक था बहुत, और उस ज़माने में बहुत सारा न्यूज़पेपर में, तब भी उस समय तक 5-10 अच्छा एडिटर था, अभी कौन है जी। हाँ, तो बहुत सारा अच्छा जर्नलिस्ट था जो हमको हमारे ज़माने में यूनियन का टाइम में, जब वो यूनियन का कल्चर था, जब मैं गया कहीं काम करने के लिए, दूसरा न्यूज़पेपर्स का रिपोर्टर्स हमको मदद किया, ये कभी नहीं देखा कि राइवल है, कॉम्पिटिटर है, ऐसा कभी मुझको हुआ नहीं, समझा कि वो कर रहा है जो हम करना चाहते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको करने वो कर रहा है,
उसको मदद करो। इसी से रिलेटेड एक मेरा ये क्वेश्चन है, रिसेंटली एक मीडिया अवार्ड फंक्शन में ये पुराना एक बात दोबारा से आया सामने कि अगर गवर्नमेंट एक जर्नलिस्ट की प्रेज़ कर रहा है या एक अपोजिशन लीडर जर्नलिस्ट की प्रेज़ कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक डीमेरिट है। तो आज की डेट में उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? देखिए मैं आप उस तरफ से मत आइए, मैं ये कह रहा हूँ आपको, अभी मेन स्ट्रीम अभी जर्नलिज्म का सिर्फ दो ही स्कूल है, एक कहता है जर्नलिज्म, दूसरा स्टेनोग्राफी। और 80% से ज़्यादा जो चैनल और न्यूज़पेपर में आ रहा है वो स्टेनोग्राफी, 20% जर्नलिज्म पत्रकारिता है, पता नहीं कैसा लेकिन बच गया। बहुत सारा यंग एनर्जेटिक इंटरेस्टेड लोग हैं और कुछ सीनियर लोग भी हैं जो सेल आउट नहीं किया उसका, दे हैव रिटेन्ड देयर सोल्स। जर्नलिज्म का सबसे बड़ा स्ट्रगल आज जो नए आए हैं उसमें, हाउ डू आई सेल माई लेबर विदाउट सेलिंग माई सोल, ये है। तो कुछ लोग हैं जो इंटेग्रिटी रखते हैं, लेकिन आपका सवाल था कि स्टेट का भी स्टेट प्रेज और अपोजिशन का भी प्रेज। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस साइड से स्टार्ट करो, स्टेनोग्राफी एंड जर्नलिज्म। स्टेनोग्राफी जो है मुझको क्या, इट डजंट मैटर वेदर यू आर प्रेज्ड और अब्यूज्ड, यू आर अ ब्लडी स्टेनोग्राफर। कभी कभी स्टेनोग्राफर को भी अब्यूज आती है जब वो राइवल कैंप का स्टेनोग्राफर उसको अटैक करते, ये भी होती है। ये पूरा इसमें मुझको कोई फैसिनेशन नहीं है इसको, लेकिन उसमें जो सरकार, और हो सकता है कि सरकार आपको प्रेस करे, कभी कभी ये भी हो सकता है कि सरकार ने एक रिपोर्टर को प्रेस करे इसलिए उसको चॉइस नहीं है। और जब हमने पेड न्यूज़ का स्कैंडल ब्रेक किया, बहुत सारा पॉलिटिकल नेता ने कहा यह बहुत अच्छा किया ये, उसका बल अलग अलग कारण था, एक तो मेरे पास नया है पैसा नहीं है, लेकिन वो राइवल नेता उस इतना पैसा खर्चा करके आपको मार रहा है। तो हम बीच में भी ऑनेस्टी होना चाहिए कि हर आदमी, हर औरत, हर इंसान का एक वैल्यू सिस्टम है, और वो वैल्यू सिस्टम हमारे काम में रिफ्लेक्ट होती है। हमारा क्लास फैक्टर है, वो क्लास फैक्टर रिफ्लेक्ट होती है, कास्ट फैक्टर भी रिफ्लेक्ट होती है। जर्नलिज्म में हम कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, क्यों कुछ सब्जेक्ट हम कभी देखता नहीं। जब और पिछले 5 साल में ही थोड़ा ध्यान दे रहे हैं अंबेडकर को, उससे पहले कुछ नहीं किया उसके लिए, उसका इशू के लिए। तो ये सब आते हैं, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। जब हम ऑनेस्टली कहते हैं कि हम हाँ, हम एलीट स्कूल गया, एलीट यूनिवर्सिटी गया, हाँ मैं एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और मेरा वैल्यूज़ वहाँ से आया, जब ये रिकग्नाइज करते हैं हम इसको, वी कैन राइज अबव दैम। अगर हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं कि उसे में फंसे हैं परमानेंटली, तो वी हैव टू, इट इज़ नॉट रॉन्ग फॉर अ जर्नलिस्ट टू हैव। और देखो जर्नलिस्ट कुछ ज़ॉम्बी नहीं है जिसका सिर में कुछ नहीं है, दोनों देख के बोलते हैं, यू डोंट इक्वेट ट्रूथ एंड नॉनसेंस। यहाँ से आपने वर्ड भी वो यूज कर लिया कि तो फिर जर्नलिस्ट की आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए। मेरा वैल्यू सिस्टम है, मैंने कहा आपको, फ्रीडम स्ट्रगल से आया। मेरा ग्रैंडफादर 14 साल ब्रिटिश जेल्स में रहा, उसको मुझको बहुत इम्पैक्ट हुआ उसको, कि ये स्वतंत्र संग्राम किसके लिए हुई, क्या वैल्यूज था उसमें, वो मेरा वैल्यूज है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ सकते हैं कौन सा वैल्यूज इम्पोर्टेंट है जर्नलिज्म के लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो, और गांधी ने एक बात कहा जर्नलिज्म के बारे में नहीं, लेकिन जर्नलिज्म को अप्लाई हो जाती है, रिकॉल द फेस ऑफ द पोरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन यू हैव मेट, आस्क योरसेल्फ
how what you are proposing to or decision you are making, how it places him in greater control of his own life. तो मैं समझता हूँ कि एक exploitation free, class free society आपका aim है. Directive principles of state policy ये कहती है, और directive principle preamble भी कहती है कि socialism, justice, और देखो वहाँ भी social economic justice, social पहली आती है. तो मैं कह रहा हूँ कि you need to have an exploitation free society. और पत्रकार का काम ये भी है कि इट इज़ नॉट योर जॉब टू स्पीक फॉर द पोर, इट इज़ योर जॉब व्हेन द पोर स्पीक टू मेक अदर्स लिसन. मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप जो वो कह रहे हैं उसका शब्द आने दो सामने, और आप एक कॉन्टेक्स्ट दे दो, एक प्रिंसिपल दे दो, एक कनेक्टिंग सीक्वेंस ऑफ फैक्टर्स दे दो. क्लैरिटी और कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए उसमें. तो कहीं ना कहीं फिर उसमें इंटरफेरेंस ऑफ योर आइडियोलॉजी शुड बी एब्सेंट देयर. मैं कह रहा हूँ कि आपका आइडियोलॉजी हमेशा रहेगा, जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको, वो अलग बात है जी. मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ग्रामीण भारत में गया, आपके लिए लिमिट दिया अखबार 800 शब्द, उसमें 600 शब्द वेस्ट करते हैं लोग उनके अपने खुद अपने आप के बारे में. मैंने इतना वो देख के मैंने रोया, ये देख के मैंने सोया, क्या आप खाए के लिए इतना दूर गया उनके शब्द लेने के लिए? लेट देम स्पीक. मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, आप कह रहा कि आपका आइडियोलॉजी वैल्यू सिस्टम फिक्स्ड परमानेंटली एक पॉइंट में फिक्स नहीं होगा, इवॉल्व होगा. वो आएगा फील्ड जर्नलिज्म से, वो आएगा एक, मैंने आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू सिस्टम देन एनीवे, वो आएगा कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद पोअर पीपल, कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद मजदूर किसान, और हर दिन आपने कुछ नया सीखेंगे जी. मैं कहता हूँ कि आपका बिगेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन योर लाइफ इज दैट यू नेवर स्टॉप लर्निंग. तो ये तो बात हुई एक जर्नलिस्ट की आइडियोलॉजी की, लेकिन जर्नलिस्ट भी इंसान है, पॉलिटिकल इंसान है. मैं जहाँ पे जाना चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है. तो कहीं ना कहीं जो जो ब्रॉडकास्ट होता है या जो प्रिंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी से होता है. करेक्ट. तो क्या वो टाइम आ गया है? वो एक ट्रेड ऑफ है जी. अभी भी मैं कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, अगर आप नया एक अखबार में गया, अगर पहला डील है आप दो स्टोरी तो आप चाहते हैं वो करो, और 8 स्टोरी जहाँ आपका एडिटर चाहते हैं वो करो जी. तो 3 साल के बाद वो, 2 साल के बाद अगर वो 3-7 हो जाएगा, ठीक हो रहा है. 2-3 साल के बाद 4-6 हो जाएगा तो ठीक है, आप बढ़िया प्रोग्रेस कर रहे हैं. 5-5 हो जाएगा तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं. 6-4 आपकी फेवर में हो रहा है तो यू आर अ जीनियस. ये ट्रेड ऑफ है. वो मालिक का मैदान है. यस. आप फुटबॉल खेल रहे हैं जी. तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपने एक एक्सपीरियंस से आपके साथ एक उसको क्वेश्चन के और लेके जाऊंगा कि जैसे मैंने ये कुछ एक्सपीरियंसेस किया हमारे यहाँ पे होती हैं ये चीज़ें, कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का एक जर्नलिस्ट एक पर्टिकुलर अपोजिट आइडियोलॉजी के एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और फिर वहाँ पे वो जाहिर है कि अगर वो अपनी, जैसे कि आपने एक ट्रेड ऑफ दिया, लेकिन वो एक रिजिडिटी के साथ जाता है, तो उसको एक जो है फ्लैशबैक या वैसा कुछ है ना सहन करना पड़ेगा. तो और बाद में वो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू बना लेंगे, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हमेशा होगा और होना भी चाहिए कि एक न्यूज़ रूम में अलग अलग ओपिनियन होना चाहिए. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हर आदमी हर महिला जो न्यूज़ रूम में बैठा है मेरा ओपिनियन शेयर होना चाहिए 100%, तो दुनिया बहुत बोरिंग हो जाती है. बिल्कुल.
और आपने स्टूडेंट्स की बात करी, बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ वाला सजेशन मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स देखेंगे उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सजेशन होगा, शायद उनको अपने क्लासरूम में भी नहीं मिला होगा ये। तो मैं क्लासरूम में आता हूँ जर्नलिज्म के, व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टेट ऑफ एजुकेशन ऑफ जर्नलिज्म टुडे इन स्पेशली इन नॉर्थ मेट्रो? बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत मिसलीडिंग भी है। 20 साल पहले 3-4 स्कूल था तो वो बहुत एलीट था, और लेकिन थोड़ा सा बेटर टीचिंग मेथड्स था, सब था उसका। अभी क्या है, वो जर्नलिज्म स्कूल्स एक धंधा बन गया, तो हर आदमी आते हैं उसमें जिसके पास पैसा है, और स्कूल बनाते हैं, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजिंग कर देते हैं। बहुत सारा बड़ा स्कूल मैंने देखा जहाँ एक फुल टाइम फैकल्टी मेंबर जो डिस्टिंग्विश्ड पत्रकार था नहीं है। सब लोग को गेस्ट लेक्चरर्स के रूप में, अच्छा है गेस्ट लेक्चरर्स मैं भी करता हूँ अगर वो अच्छा है, लेकिन यू कैनॉट कंडक्ट एन एंटायर डिग्री कोर्स एंड यू कैनॉट कंडक्ट एन एंटायर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स सिर्फ गेस्ट लेक्चरर्स से। एक कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए जिसमें हर सब्जेक्ट का एक्सपोजर होता है। मैं खुद पर्सनली मैं मानता हूँ कि जर्नलिज्म पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट है। जब आप स्कूल से सीधा जर्नलिज्म में जाते हैं, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा नहीं, पॉलिटिकल साइंस का कुछ नॉलेज नहीं, इतिहास का कुछ नॉलेज नहीं, स्कूल में क्या पढ़ाया, सिविक्स या सम सच रबिश, इट्स अ सब्जेक्ट दैट रियली डजंट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। इसे एक टुकड़ा, उससे एक टुकड़ा, कुछ नहीं होता उसमें। तो एक अच्छा ह्यूमैनिटीज डिग्री होने में एक एडवांटेज है आपको। ठीक है, ह्यूमैनिटीज बहुत लोग आया जो बीकॉम से आया, साइंस से आया, वो भी अच्छा करता है, लेकिन एक बेसिक बीए लेवल डिग्री मैं समझता हूँ कि एसेंशियल है। तो ये लोग सब बीएमएम कोर्सेस, पता है उसको मालूम नहीं कितना सैकड़ों बीएम कोर्स, वो में भी उसमें भी हो सकता है एक दो डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। जर्नलिस्ट तो पुराना पत्रकार है लेकिन बात कम है वो। मेरा प्रेफरेंस है पोस्ट ग्रेजुएट। एंड व्हाट अबाउट द सिलेबस, जो आपका आपके ऑब्जर्वेशन में जो सिलेबस गुजरा अभी तक का? देखिए, मैं दो स्कूल में रेगुलरली टीच करता हूँ, बहुत सारा स्कूल में लेक्चर देता हूँ। एक तो सफाया पॉलिटेक्निक मुंबई में और एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई में, ये मेरा रेगुलर है। सफायास को मैंने 30 साल हो रहा है मैं सफायास में वहाँ टीचिंग करके। फिर एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म साल 2000 में शुरू हुआ, उस समय से हर साल मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। दोनों में एक बहुत एक डायनेमिक अप्रोच था, एक कोऑर्डिनेटेड, जैसा एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में एक कोर कोर्स है, वहाँ कंपलसरी कोर्स है कवरिंग डिप्रीवेशन। हमारी समझ में अगर आपको डिप्रीवेशन में थोड़ा सा नहीं जानते हैं, आप इस देश में पत्रकार नहीं होना चाहिए। मिनिमम नॉलेज अबाउट डिप्रीवेशन होना चाहिए। हो सकता है कि बाद में आप फैशन कवर करें, ठीक है, लेकिन इतना तो नॉलेज आपका समाज के बारे में, उतना तो नॉलेज होना चाहिए। तो जर्नलिज्म और बहुत सारा जर्नलिज्म एजुकेशन स्कूल, दो प्रॉब्लम्स था पहले। एक पुराना प्रॉब्लम था कि वो उसको वो क्लियर नहीं है कि हम जर्नलिज्म पढ़ा रहे हो या मास कॉम रिसर्च पढ़ा रहे हो, तो इन दोनों के बीच में फंस जाती है। आप दोनों कंबाइन कर सकते हैं लेकिन फोकस आपका किस में होगा। अभी जो प्रॉब्लम्स है, कुछ स्कूल्स आया जिसमें कुछ है ही नहीं, ना टीचर है ना कुछ है, लेकिन बड़ा बड़ा विज्ञापन लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, सब जगह में, और 90-100% गेस्ट लेक्चरर पे चलाते हैं। और कुछ स्कूल्स है जिसके पास बहुत पैसा है, अनबिलीवेबल स्टूडियोज जो मैंने देखा, अरे बाप रे क्या स्टूडियोज हैं यार। अगर पारी को ऐसा उससे 10% स्टूडियो मिलेगा तो हम बहुत खुश रहेंगे, लेकिन
टीचर जो है वहाँ वो कुछ नहीं जानते हैं, मतलब सेटअप है लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये इसलिए नहीं है कि अच्छा जर्नलिज्म टीचर्स कौन है, जो मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पत्रकार अच्छा टीचर बन जाएगा, नहीं, लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में आप अच्छा टीचर बन सकते हैं जर्नलिज्म का। या सो ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स है इसमें, बहुत तो सारा प्रॉब्लम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम ऑर्गेनिक क्रॉप्स की बात करते हुए बार बार एम्फसिस हमारे दोस्त कर रहे थे कि मार्केटिंग नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, इसलिए वो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है। कहीं ना कहीं ये इससे तो रिलेटेड नहीं है कि अभी अच्छे पत्रकार की मार्केट में डिमांड ही नहीं है इसलिए प्रोड्यूस भी वैसे। किसका मार्केट? मालिकों का मार्केट में नहीं है डिमांड। कौन कह सकता है कि लोगों के मार्केट में डिमांड नहीं है? तो यस, यहाँ भी एक ऑर्गेनिक जर्नलिज्म है और एक सिंथेटिक जर्नलिज्म है जो कभी कहीं नहीं जाएगा। दिल्ली में बैठ के हाँ उनकी कैबिन में बड़े बड़े एनालिसिस लिखते हैं कि ये जो ये रिपोर्टर कह रहा है वो गलत है, इसलिए कि यहाँ सिंगापुर में ऐसा किया। ये सब ये हाईली स्किल्ड इडियट्स, तो उसका वो कभी कहीं गया नहीं, दे डोंट नो एनीबडी, दे नेवर मेट एनीबडी। उसको कहना है कि जो हमने नंबर्स में पढ़ा और हमारा इंटरप्रिटेशन, उससे पूरा दुनिया हम बता सकते हैं जी। तो जो आपने कहा कि लोगों का लेकिन एक मार्केट है जो जहाँ पे एक उस जर्नलिस्ट की ज़रूरत है, तो वो कौन सा मीडियम अप्रोच करे, कैसे जाए उन तक? आप नई जनरेशन के हिसाब से क्या? अभी मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन, वहाँ एक ऑडियंस सोच रहा हूँ, खोज रहा हूँ, और बहुत सारा लोग ऑनलाइन रेडियो, ऑनलाइन टीवी, ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं, देखना पड़ेगा कि कौन। लेकिन जब तक मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म का कब्जा हम तोड़ नहीं सकते हैं, मोनोपोलीज का, वो प्रायोरिटी है। ये करो वो भी, वो झगड़ा भूलना मत, एंटी मोनोपोली स्ट्रगल्स टू ब्रेक मोनोपोली ओनरशिप ऑफ मीडिया। तो वो मोनोपोली तोड़ने के लिए आज की डेट में जो अवेयर्ड जर्नलिस्ट हैं उनको क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ आपको, कैंपेन अगेंस्ट मोनोपोली, वो एक्सपोज करो क्या होता है मोनोपोली में, जितना करप्शन हो रहा है, जैसा पेड न्यूज़ में हुआ, जैसा हर इश्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है अखबार और सरकार को, जैसा अमित शाह का लड़का का स्टोरी सप्रेस हो जाती है, जैसा आप नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ये लोग को एडुकेट करो, इम्प्रेस अपॉन देम, पर्स्यूएट देम कि ये पत्रकारिता नहीं है, जो हमारा प्राउड ट्रेडिशन है 200 साल का, उसका बहुत नुकसान पहुंचा। एक तो एक इस तरह की करप्शन है, एक नई तरह की करप्शन जो मुझे करप्शन लगती है, आप उसको पता नहीं कैसे देखेंगे, कि जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो नई ब्रीड ऑफ जर्नलिस्ट है दे गेट लोड फॉर जस्ट फॉर अ सेल्फी विद अ सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी अदर वर्ल्ड। वो तो दैट इज सिलीनेस, वो तो दे आर सिली एंड चाइल्डिश, उसमें ये मुझको सब एक बड़ा इशू नहीं है। मैंने इसको कल जो लोग इस पर फोकस करते हैं, मैं कहता हूँ कि ये सेल्फिश कल्चर मतलब सेल्फिश कल्चर, क्योंकि मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है कि एक सेलिब्रिटी या एक बड़े लीडर का इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसकी अगले दिन खबर वैसी आती है जो लेकिन बहुत सारा मोर इम्पोर्टेंट, बहुत सारा जर्नलिस्ट ये भी नहीं करते हैं, लेकिन दलाली काम करते हैं, इसलिए कि उसका मन का ट्यूनिंग ऐसा है, उसका आइडियोलॉजी, उसका वैल्यू सिस्टम हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहते हैं जी। वो एक मच मोर सीरियस इशू देन अ सेल्फी। लास्ट क्वेश्चन है कि मैं आपसे बात भी कर रहा था कि मैंने अपने मास्टर्स में जब कोर्स करा, मास्टर डिग्री करा, तो उसमें पी साईनाथ एक जर्नलिस्ट थे जो एक स्टडी का टॉपिक थे, एक सब्जेक्ट थे, आप थे। आज आई एम लकी कि आपको इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, तब आपको पढ़ रहा था। तो आपको कंटेम्प्रेरी या अपने टाइम में से वो कौन से पांच जर्नलिस्ट या जितने भी आप नाम ले सकें जो लगता है कि अगले
टाइम में वो सिलेबस का हिस्सा हो सकते हैं? मैंने किताब लिख रहा हूँ, आप देखिए कुछ 2-3 साल में आना चाहिए, 10 जर्नलिस्ट हु इंस्पायर्ड मी जी, उसमें जॉन रीड, विल्फ्रेड बर्चेट,